स्टार्ट करते हैं, सीडीपी से हाँ बात जी, करते हैं। सीडीपी का मतलब क्या है? सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। क्लियर है आसिम जी? सिस्को हाँ डिस्कवरी जी प्रोटोकॉल सीडीपी यूज बाय, किस लिए यूज करते हैं हम इसको? डिस्कवरी के लिए, सिस्को डिवाइसेस के यूज लिए। टू डिस्कवर सिस्को डिवाइसेस। क्लियर? यूज हाँ टू जी सर, डिस्कवर सिस्को डिवाइसेस इन लैन। लैन भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, कोई सा भी कुछ नेटवर्क भी हो हो। सकता क्लियर है? सीडीपी है। हाँ जी बिल्कुल सर, आपका लेयर टू प्रोटोकॉल है। इट्स कॉल्ड लेयर लेयर टू टू प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। क्लियर है? ठीक है सीडीपी सर। सीडीपी यूज करता है आपका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस ओके लेयर ठीक टू का। क्लियर? है सर, क्लियर? क्लियर सर। टीडीपी के अंदर टाइमर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है सर। जैसे आप हेलो बोलते हो रोज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वैसे हाँ जी सीडीपी सर, भी हर टाइम हेलो भेजता है। एवरी 60 सेकेंड सेंड हेलो मैसेज। क्या भेजेगा ओके, आपको? हेलो एक तरीके से मैसेज। हेलो मैसेज। क्लियर है? ठीक है सेकंड सर। आफ्टर 180, आफ्टर 180 सेकंड सीडीपी क्या कर देता है? इन्फॉर्मेशन को फ्लश आउट कर देता है। इसी को क्या फ्लश बोलता है? आउट। होल्ड डाउन टाइमर। ठीक है सर। क्लियर? इतना क्लियर क्लियर है भाई? सर। चलो हाँ जी सपोज करते हैं मेरे पास लैन में एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है, एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है। क्लियर है ठीक है सर। आसिम जी? तो दोनों हाँ जी डिवाइस लिंक से कनेक्टेड है। मुझे नहीं पता कौन सा लिंक है, मुझे पता है बस ठीक है वायर सर। प्लग इन है। आईपी दी हो या नहीं दी हो, क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। दोनों स्विच है और दोनों किसकी कंपनी के हैं? सिस्को। सिस्को के। ठीक है। सिस्को। और मुझे पता था इनके बैकग्राउंड में लिंक नंबर चल रहा है। इनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? लिंक नंबर यानी लिंक नंबर। इंटरफेस का नंबर। तो स्विच वन क्या करेगा, हर 60 सेकंड में एक हेलो मैसेज भेजेगा। क्या भेजेगा? हेलो मैसेज। हेलो मैसेज, जस्ट लाइक ए कीप अलाइव मैसेज। क्लियर ठीक है सर। है? इसके हेलो के अंदर क्या होगा, बात करेंगे हम। और हेलो ये बंदा भी भेज रहा है स्विच टू। क्लियर है? दोनों भेज रहे हैं, लेकिन दोनों के हेलो में डिफरेंस है। कैसे? कैसे? स्विच पे आप जब भी बात करोगे, स्विच पे जो है ना मैक एड्रेस होते हैं। क्या होते हैं आसिम हाँ जी? जी, मैक मैक एड्रेस। एड्रेस। क्लियर है? क्लियर बिल्कुल। है? हाँ जी तो मैक एड्रेस के अंदर वो क्या बोलेगा कि जो आपका मैक एड्रेस है ना, वो मैं कैसे बताऊं। एक मैक एड्रेस होता है आपका बेस मैक एड्रेस। एक मैक एड्रेस कौन सा होता है? बेस मैक एड्रेस। स्विच का। क्लियर? दूसरा कौन सा होता है? इंटरफेस मैक एड्रेस। ओके। तीसरा भी होता है सीपीयू। क्लियर ओके क्लियर है? तो अब है देखो, सर। अब ये आपको हेलो तो भेज रहा है, अब ये डिफाइन करो कहां से भेज रहा है। सीपीयू से भेज रहा है, बेस से भेज रहा है, इंटरफेस से भेज रहा है। क्लियर ओके। हाँ करो? मैसेज तो आपने बता दिया, अभी जी हाँ भेज जी, किस से रहा है? क्लियर है? तो जैसे ही स्विच क्लियर। वन एक इंफॉर्मेशन प्लग इन करेगा, यानी ये लेयर टू इंफॉर्मेशन बनाएगा यहाँ पे आसिम जी, तो लेयर जी टू हेडर के अंदर, इनसाइड लेयर टू हेडर, वो क्या लगाएगा पहले? आपको कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? सोर्स मैक, बिल्कुल। डेस्टिनेशन मैक। क्लियर है? हाँ जी सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सपोज करके चलो इसका बेस मैक एड्रेस है ए। क्लियर है? इसके हाँ इंटरफेस जी का मैक एड्रेस है वन। क्लियर है? और इसके हाँ सीपीयू जी का मैं यहां पे लिख रहा हूँ डॉट एक्स। क्लियर है? ठीक है क्लियर है? सर। अगेन स्विच टू पे भी यही कहानी चलेगी। स्विच टू भी तो बोला है कि मेरे पास भी क्या है, 3 MAC एड्रेस है, आपके पास है तो मेरे ठीक है पास हाँ भी है। अगेन जी स्विच वन ने भी बताया, स्विच टू भी बता रहा है, मेरे पास बे से बी। क्लियर है? एग्जिट इंटरफेस टू सीपीयू वाई। क्लियर? तो ठीक है सोर्स सर। कौन है? ये वाला स्विच है। ये क्लियर वाला स्विच। है? हाँ जी स्विच क्या बोला है? सोर्स मैक एड्रेस में भेजूंगा अपने एक्टिव इंटरफेस से। एक्टिव इंटरफेस कौन सा इसके पास है? एक ही लिंक है, हाँ जी, इसी को हम जॉट क्या बाई बोलते लिंक हैं? भेजूंगा। एग्जिट इंटरफेस का मैक एड्रेस। क्लियर है?
यहाँ पे क्या लिखेगा, एग्जिट इंटरफेस का मैक एड्रेस। तो कौन सा मैक होगा आसिम जी? वन। क्लियर हो गया? डेस्टिनेशन कौन है? मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। क्लियर है भाई? अगर मल्टीकास्ट मैक एड्रेस की डिटेल लेनी है आपको, सर बताइए दो, तो मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊंगा। 01:00 करके होता है। ओके ठीक है, 01:00 करके कॉलन C0:00 करके चलते गाने, ठीक है? ओके, ये मल्टीकास्ट मैक है, तो यानी वो कौन कौन लिसन करेगा? जो इस मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर होगा। मेंबर होगा। तो ये डिवाइस तो सिस्को का ही है, यानी इस पे क्या होगा? CTP बाय डिफॉल्ट इनेबल। इनेबल, तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड करें अब CDP के लिए। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट सिस्को डिवाइस इनेबल CDP। क्लियर? CDP प्रोटोकॉल क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इनेबल, यानी स्विच टू क्या कर सकता है? इसके मैसेज को रिसीव्ड करेगा। अब ये CDP के अंदर क्या भेज रहा है उसको पता चल गया, सोर्स पर्सन है और मेरे पास एक कहानी चलती है। अब आप वो बताओगे, अगर मेरे को यहाँ पे मैक लर्न होगा वो कैसे लर्न होगा? सोर्स ऑफ द अपडेट, सोर्स ऑफ द, कहाँ पे आप सेकंड पे कह रहे हो? अच्छा ठीक है, हाँ, स्विच टू पे कौन सा मैक लर्न होगा? सोर्स ऑफ द अपडेट, सोर्स ऑफ द अपडेट, ठीक है सर। क्लियर है? अब लेकिन ये जो मल्टीकास्ट एड्रेस है, जो आप ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज कर रहे हो आसिम जी, हाँ जी, ये मल्टीकास्ट एड्रेस आपके जितने भी लेयर टू प्रोटोकॉल्स है ना, उन सब पे यूज होता है। ओके, कौन कौन से? CDP, DTP, VTP, क्लियर है? PAGP और UDLD। आगे बताऊंगा PAGP क्या होता है, क्लियर है? ये इन सब पे यूज करता है मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। क्लियर है? ठीक है सर। और CDP को एक और लाइन में बोलते हैं, एक और चीज जिसे बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ओके, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, इट मींस क्या होता है इसका मतलब आसिम जी, कि दोनों तरफ CDP क्या होना चाहिए? इनेबल्ड। क्लियर है? हाँ जी। अगर एक भी तरफ स्टॉप होगा तो मेरे पास क्या नहीं होगी उसकी इन्फॉर्मेशन। क्लियर? नहीं, हाँ जी। क्लियर? यस या नो? यस सर। क्लियर? CDP के वर्जन भी होते हैं, उनके बारे में नहीं बताएंगे। क्लियर है? अब ये जो आपका स्विच था, ये लेयर टू तो इसने बना के भेज दिया, लेकिन इसको प्लग इन क्या करना था इसके अंदर? CDP लगाना था, CDP की इन्फॉर्मेशन डालनी थी। बिल्कुल। CDP की इन्फॉर्मेशन क्या क्या रखेगा इसके अंदर? तो फर्स्ट थिंग रखता है, पहली चीज वो आपको बताएगा आपका होस्ट नेम। क्या बताएगा? होस्ट नेम। आपके स्विच का नाम क्या है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। आपके पोर्ट का नंबर क्या है? इट्स कॉल्ड पोर्ट ID। ठीक है। क्लियर? सही है। आप कौन से प्लेटफॉर्म का iOS यूज कर रहे हो? ले रहे? ठीक है सर। आपके iOS का वर्जन क्या है? ठीक है सर। जो मेरे से डिवाइस कनेक्टेड है उसकी कैपेबिलिटी क्या है? ओके। वो एक राउटर है या स्विच है या PC है? ओके। ले रहे भाई? ठीक है सर। यस या नो? इसी को हम होस्ट बोलते हैं। होस्ट नेम, पोर्ट ID, प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो सेंड है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स कितने तरीके के होते हैं हमारे पास? दो तरह के, फुल एंड हाफ। हाफ, फुल, अब नया सुनो, ऑटो। ऑटो, ओके, ठीक है। जो सामने होगा वही मैं क्या कर लूंगा? वही बन जाएगा वो, ठीक है। ले रहे? बिल्कुल। यस या नो भाई? यस सर, यस। क्लियर है? तो चले चेक करें CDP के अंदर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी तो। चलिए सर, चल फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं हमारा। साइन इन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे थे, ठीक है। मेरे में यहाँ मेरे पे भी 134 उठाता है फायरफॉक्स इवन जी। चलो
मैं दो डिवाइस कनेक्टेड कर रखे हैं, दिख रहे हैं आसिम जी? हाँ जी, चलो इनको स्टार्ट कर दो। कर दे सर। स्विच वन, स्विच टू, ये क्या बता रहा है? इसका होस्ट नेम क्या है आसिम जी? स्विच, स्विच कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं कर रहा। शो सीडीपी, पहली कमांड क्या है? शो सीडीपी। कितने सेकंड में भेजता है? 60 में। टाइम आउट टाइमर क्या है? 180। कौन सा वर्जन इनेबल है? 2। क्लियर है? क्लियर। शो सीडीपी, हाउ टू आइडेंटिफाई कि मेरे इंटरफेस पे सीडीपी इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है? क्लियर है भाई? इट्स ग्लोबली इनेबल्ड। बाय डिफॉल्ट कैसे इनेबल होता है? ग्लोबली। यू कैन डिसेबल मैनुअली, इंटरफेस बेस आल्सो एंड ग्लोबली। क्लियर है? आप इसको कैसे क्या काम कर सकते हो? देखो मैंने पहले डिसेबल क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे रीजन देना था। तो सीडीपी के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको इनेबल कर सकते हो ग्लोबली। क्लियर है? और इनेबल कर सकते हो इंटरफेस। क्लियर है भाई? इसका मतलब हम दोनों तरीके से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो सीडीपी को इनेबल करने की कमांड क्या है? इनेबल सीडीपी। नहीं, सीडीपी इनेबल होती है शायद। चलो यहाँ पे कमांड लिखेंगे। क्लियर है? चेक करेंगे। हाँ जी सर, बताऊंगा सारी चीजें। इतना क्लियर हो गया? तो पहले तो मुझे आपको सीडीपी चेक कराना सिखाना है। तो आपको कमांड चलानी है शो सीडीपी। क्लियर है? देन योर इंटरफेस डिटेल। क्लियर है? देन योर इंटरफेस डिटेल। क्लियर? कौन सा इंटरफेस है आपके पास? ईथरनेट 0/0/0 क्या बोल रहा है? अप। क्लियर है? अप है। यानी कैंसिलेशन बता रहा है, सेंडिंग बता रहा है और होल्ड डाउन टाइमर। क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। कॉन्फ़िगरेशन सीडीपी रन, ये कमांड होती है इनेबल करने के। ओके ओके, सही। सीडीपी रन। क्लियर है? रन, ठीक है सर। दिस कमांड इनेबल CDP globally, clear है भाई? सही है सर। clear है? अब हमें किस पे सीखना है? CDP को enable करना है। How to enable CDP interface base? clear है? clear है सर। command इंटरफेस E0/0 सीडीपी नेबर। ओके, क्लियर? ठीक है सर। क्लियर? कंप्लीट। सीआर मींस कंप्लीट। क्लियर? इफ यू वांट टू डिसेबल देन यू कैन यूज सीडीपी इनेबल एंड से नो सीडीपी। नो सीडीपी, नो मीन नेगलेट दिस कमांड। क्लियर? बिल्कुल ठीक है सर। Clear? So again we have concept. How to verify CDP enable interface? Then put your command show CDP interface. यहाँ पे आपको क्या बताना है पड़ेगा? आपका जो इंटरफेस है वो कौन सा है? वर्चुअल है या आपका कोई ईथर चैनल है, ईथरनेट है, या आपका कोई इंटरफेस फास्ट है? क्लियर है? फास्ट भी आएगा, गिग भी आ सकता है, ईथरनेट भी आ सकता है। ठीक है सर। क्लियर आसिम जी? सही है सर, बिल्कुल सर। एक सेकंड, मेरा लैपटॉप क्या हो गया इसको। अच्छा बोलिए भाई। सर बाय डिफॉल्ट ये सीडीपी जो है ग्लोबली इनेबल होती है, इंटरफेस पे भी इनेबल ही होती है बाय डिफॉल्ट? ग्लोबली अभी लिखा ना मैंने। ओके अच्छा, इनेबल ग्लोबली है बाय डिफॉल्ट? ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही है, ग्लोबली इनेबल्ड है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सही है। तो ये क्या है कमांड? इंटरफेस पर भी ग्लोबली इनेबल्ड होगी? ना ना, वो क्या करते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे सीडीपी रन लिख के भेजते हैं। ठीक है,
ओके ओके ठीक है, वो जितने भी इंटरफेस होते हैं सब पे इनेबल हो जाता है, क्लियर है? ठीक है, ये आपके लाइन प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन बता रहा है, लाइन प्रोटोकॉल, क्लियर? हाँ जी, ठीक है, बता रहा है जो आपके लेयर वन है उस पर एनकैप्सुलेशन कौन कौन सी चलती है। एनकैप्सुलेशन हमारे पास दो तरीके की होती है, अगर आपको याद कराना है, फर्स्ट कॉल आरपा, इफ यू हैव ईथरनेट लिंक, इफ यू हैव सीरियल लिंक देन कॉल्ड एचडीएलसी, एचडीएलसी, ओके, क्लियर? दिस इज योर सीडीपी टाइमर्स, क्लियर? सही है सर। चलो अब मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है? ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट तो मेरे को देखना है मेरा नेबर कौन सा है, मेरे को अब कमांड नहीं देखनी, शो सीडीपी। पहले हमने क्या देखा, इंटरफेस, क्लियर है? अब मुझे क्या देखना है, नेबर देखना है, क्या देखना है? ठीक, नेबर, ये रहा भाई नेबर, चेक करो अब क्या बोल रहा है कि उसका होस्ट नेम क्या है, डिवाइस आईडी, स्विच, स्विच, लोकल का मतलब मेरा इंटरफेस का नंबर क्या है, 0/0, होल्ड डाउन टाइमर कितना चल रहा है, 130 पे पहुंच गया है, कैपेबिलिटी क्या है उसकी, राउटर, स्विच और आरजीपी प्रोटोकॉल, क्लियर? प्लेटफॉर्म में यहाँ पे लाइनक्स दिखा रहा है क्योंकि ये वर्चुअल है, क्लियर है भाई? ओके, सही है, रियल में जाओगे तो आईओएस की डिटेल आएगी, क्लियर है? ओके, सही है, आईडी, आईजी, आईजीएमपी प्रोटोकॉल कौन सा होता है, लेयर 3 प्रोटोकॉल, ओके, इसके बारे में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे मल्टीकास्ट, ओके ओके ठीक है, ठीक है, देन योर पोर्ट आईडी, नेबर पोर्ट आईडी नंबर, क्लियर? नेबर क्या बता रहे हैं हम, पोर्ट आईडी, तो मैं यहाँ क्या कर लू, कॉपी कर लो अनीश जी, ठीक है सर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कैप्चर करके लेके आए ना उठा के, सही है, खोल के इसके करेंगे पोस्टमार्टम, शो सीडीपी नेबर, नेबर डिटेल्स, सही है सर, इनेबल सीडीपी प्रोटोकॉल, क्लियर? ठीक है सर, ये क्या बताता है, डिवाइस आईडी, होस्ट नेम, अवन, स्विच, इंटरफेस नंबर, क्लियर? बिल्कुल सही है सर, होल्ड डाउन टाइमर, टाइम आउट, टाइम आउट, इसके लिए अच्छी चीज है, कैपेबिलिटी, तो ये राउटर है, स्विच है, विच डिवाइस आर कनेक्टेड, क्लियर है? ठीक है, बता रहा है आपने आईओएस, क्लियर है? ठीक है, बता रहा है नेबर, नेबर डिवाइस, नेबर पोर्ट, पोर्ट नंबर, ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में ये सारी इंफॉर्मेशन, क्लियर है भाई? हाँ जी, हाँ जी सर, ये सारी चीजें तो क्लियर है, होल्ड डाउन टाइमर ही नहीं क्लियर है सर, ये समझो, तो जो आपका होल्ड डाउन टाइमर है ना 130 दिख रहा है यार, ठीक है अनीश भाई? हाँ जी भाई, तो ये कैसे चलता है आपका, ये चलेगा जो होल्ड डाउन टाइमर है वो कैसे चलता है, ये होता है टोटल 180 सेकंड का, कितने सेकंड का, 180 का, देखो जब भी हम बाइनरी के फॉर्म में कुछ भी चीज पढ़ेंगे या बिट्स की, तो हम उसे स्टार्ट करेंगे जीरो से, ठीक है सर, सुनने का आविष्कार करा था आर्यभट्ट जी ने, वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो ये जीरो से जाएगी काउंटिंग, और कहां तक जाएगी, लास्ट 179 तक, क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, अब सपोज करो आपके पास दो डिवाइस कनेक्टेड थे, स्विच वन एंड स्विच टू, बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिंक, बीच में हमने क्या लगा रखा है, ईथरनेट लिंक, हाँ जी, ठीक है, तो ये हमने कहां पे इंफॉर्मेशन देखी, स्विच वन पे, स्विच वन पे इंफॉर्मेशन देखी, स्विच वन क्या कर रहा है, हर 60 सेकंड में क्या भेज रहा है, हेलो पैकेट, हेलो पैकेट, क्लियर है? और इसने टाइमर चला रखा है 180 सेकंड वाला, कौन सा चला रखा है, 180, चलो अच्छी बात है, चलाया बढ़िया है, इसको कॉपी कर लो, लेकिन यहाँ पे कॉपी करा और इसको पेस्ट करा, यहाँ पे रख लिया, दो डिवाइस हो गए, ये मेरा स्विच वन के लिए और ये मेरा किसके लिए, अनीस भाई, आसिम भाई, स्विच, स्विच टू के लिए, स्विच टू के लिए, ठीक है? अब जैसे ही स्विच वन ने हेलो भेजा, इसका टाइमर जीरो से चल रहा था, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते ये 70 पे आ गया, ये 60 पे आ गया, ये 50 पे आ गया, 40 पे आ गया, जैसे 40 पे पहुंचा ना,
इतनी देर में इसको एक और हेलो मिल गया, रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड हुआ, 40 से चली रहा था नीचे, क्लियर है? जी जी। अब इसको फ्लश कितने पे होके जाना था? 59 पे। हाँ जी। 59 पे क्या होना था इसको? फ्लश। रिफ्रेश, क्लियर है? जैसे इसको 40 सेकंड पे हेलो मिला, इसने क्या कर लिया उसको? अगेन जीरो पे ले गया। जीरो पे ले गया। 1, 2, 3, 4, फिर एक और मिल गया हेलो, फिर रिफ्रेश हो गया। लेकिन रिफ्रेश कितने पे होगा? ये फिक्स है 59 पे, क्लियर है? 59 पे। हाँ जी। ये फिक्स है, क्लियर है? स्विच 2 ने भेजा, तो ये भी टाइमर चला के बैठा था, 1, 2, 3, 4, 5, 59 पे इसने क्या कर दिया दोबारा? रिफ्रेश। रिफ्रेश कर दिया, क्लियर है? ये बढ़िया हो रहा था, अच्छी चीज है, मजा आ रहा है मेरे को भी बताने में, आपको भी। अब क्या हुआ कि स्विच 1 पे जाके मैंने इस लिंक को बोल दिया शट डाउन। क्या बोल दिया? शट डाउन। अब इसने तो हेलो भेजना क्या कर दी? स्टॉप, बंद कर दी। हाँ जी। अब इस पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो कब फ्लश आउट होगी? 180 सेकंड पे। तो अब 180 सेकंड कैसे चलेंगे? अब 180 ऐसे चलेंगे आपके, ठीक है? अभी क्या बोल रहा है कि जो आपके 180 है ना, जैसे ही पहला हेलो पैकेट क्या होगा? मिस होगा। मिस होगा। ये जैसे 60 से 61 पे जाएगा, क्या हो जाएगा? टाइमर आपका एक्सपायर के लिए जाने लगेगा, क्लियर है? ठीक ठीक है सर। क्लियर है? क्लियर है सर। चलो चेक करो आप, टाइमर वैसे अलग चलते हैं, दिखाता हूं मैं। 130 है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। वर्चुअल पे एक चीज आती है, शो दिखाता हूँ आपको। टाइमर इतना समझ में आना, कैसे रिफ्रेश हो रहा है कैसे नहीं? हाँ जी, हाँ जी सर। इसको यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है? यहाँ पे टाइमर चल रहे हैं आपके जीरो तक, ठीक है? अब आप 60 सेकंड लगा के चलो, कितने हो जाएंगे? 178, 177, ऐसे चलते रहेंगे आसिम भाई, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 176, ऐसे करते करते कितने पे जाके रिफ्रेश होगा? आप रिफ्रेश रेट बता सकते हो? 119। 119, बिल्कुल सही पर। अच्छा सही है, ठीक है। ये रिफ्रेश अगेन यहाँ पे भी आ जाऊं, 179, 178, 176, 175, 119। ये किसके लिए बना दिया मैंने? रिफ्रेश के लिए, स्विच 2 के लिए। अगर इससे नीचे जाओगे ना भाई, तो क्या कर दूंगा? जी। एक्सपायर कर दूंगा। एक्सपायर। क्लियर? क्लियर? ठीक है। चलो चेक कर लो। क्लियर सर। अगर इंटरफेस अप होगा तो 119 पे जाके क्या हो जाएगा दोबारा से? हो गया? हो गया, हो गया, सही है। यस या नो? यस यस, बिल्कुल। अगर मैं स्विच के स्विच, अब मैं पहले क्या करूंगा, स्विच नंबर 2 पे जाके इसके इंटरफेस को भाई शटडाउन बोल रहा हूँ, ठीक है? सेंड करना बंद। बंद। क्या कर दिया? जीरो। इमीडिएट एक्सपायर कर दिया। व्हाई? बिकॉज आई एम कनेक्टिंग विद द डायरेक्टली। मैं कैसे कनेक्टेड हूँ? डायरेक्टली। डायरेक्टली। इंटरमीडिएट कोई डिवाइस ही नहीं बचा ना, इधर लाइन प्रोटोकॉल डाउन गया, मेरे को पता चल गया, पता लग गया, सही बात है। एक्सपायर कर दी, स्विच 2 पे आ जाओ। और फिर अगला कहता मूर्ख थोड़े ना हूं, सामने वाले उड़ गया तो क्यों चलाऊं? हो गए एक्सपायर। बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल क्लियर सर। से नो शट डाउन। अब कितनी देर बाद भेजूंगा? डिबग सीडीपी पैकेट्स, मैंने डिबग कर दिया। क्या और रिसीव हुआ इसको आसिम भाई? हेलो पैकेट। सीडीपी का हेलो पैकेट हुआ, और इसने क्या करा? सेंड आउट करा ना। बिल्कुल। इसने क्या करा? एंट्री फाउंड इन कैश। कैश, ठीक है। मेरे पास एंट्री थी। हाँ जी। सॉरी, हो गया? बिल्कुल क्लियर सर। बिल्कुल क्लियर सर। टाइमर हो गया हमारा इसमें। अब जो कैपेबिलिटी, हाँ जी सॉरी, आप बताएं, आप बोले।
मैंने बोला टाइमर हो गया हमारा। हाँ जी हाँ जी, मैं सर पूछ रहा था जैसे कैपेबिलिटीज में बता रहे हैं RSI, तो मतलब हम मतलब श्योरली नहीं बोल सकते कि ये राउटर है या स्विच है, मतलब लेयर 3 स्विच भी हो सकता है, ये क्या राउटर है भी हो सकता है ना। अब देखिए, जो रियल टाइम में जाओगे तो आपको एक कैपेबिलिटी में आर ही आएगा और एस ही आएगा और आई ओके भी ओके ठीक है आएगा। ठीक ये है। रहे कैपेबिलिटी कोड्स है, राउटर ब्रिज सोर्स राउटर ब्रिज स्विच होस्ट का मतलब पीसी, हाँ जी ठीक है ठीक है। पी का ठीक है मतलब फोन आईपी फोन, ठीक है। सही है। रियल में आपको स्विच या राउटर ही दिखाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है चलिए अब पैकेट देखें इसके अंदर क्या जा रहा है। राइट क्लिक कैप्चर E0/0, CDP पैकेट देखना है, 60 सेकंड हाँ लेगा। जी ठीक है। DTP पैकेट तो भेजेगा ना, बताया था ना आपको। हाँ जी हाँ जी, CDP देखना भी आएगा। DTP तो अब जैसे ही लिंक चेट करेंगे साथ ही जान शुरू हो जाएगा ना, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट डायनेमिक ऑटो इसलिए क्योंकि तो बनाया गया। हाँ जी वो तो उनको पहले पता करना पड़ेगा कौन सा लिंक किसने क्या बनना है, तो वो साथ के साथ ही चले जाएगा। बिल्कुल जब DTP पढ़ा हुआ खुश खुश हो जाओगे। देखिए सही है सर। एक एक पैकेट समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। नहीं नहीं सर, सर और क्या क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं हाँ जी अभी इस पे ध्यान दो, मैं पाइथन भी पढ़ाता हूँ, SD-WAN, CCI तक अरे राउटिंग सिस्टम सर पढ़ाता हूँ। SD1 करवा दो यार। हाँ हाँ करा देंगे। जी देखिए भाई तो देखो लेयर वन पे मैंने एनकैप्सुलेशन बताई थी आसिम भाई, विच वन एनकैप्सुलेशन आई एम यूजिंग हियर, हाँ जी, कौन सी ले रहे हैं भाई हम एनकैप्सुलेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सर लेयर 2 की हो रही है, नहीं आरपा लेयर 1, आरपा आरपा ठीक है आरपा क्लियर, क्योंकि मेरा ओके। लिंक कैसा है ईथरनेट, तो लेयर वन पे इथरनेट क्या बनता है फ्रेम, पहले आप फ्रेम ढांचा बनाते हो उसके अंदर क्या करते हो इन्फॉर्मेशन फिट करते हो। फिट करते हैं। हाँ लेयर जी वन पे डेटा आ रहा है 2568 बिट का, और एनकैप्सुलेशन टाइप क्या है ईथरनेट पे आरपा, इथरनेट अरे 1 आरपा बिल्कुल ना बताया था ना ईथरनेट है लिस्ट ना, और ये आपका लेयर टू हेडर 802.3, 3 सोर्स मैक विल बी AABBCC0020। अब आपने बोला सर हाउ इट पॉसिबल, मुझे नहीं समझ आया कि आपने मैक एड्रेस 3 बताए थे, मुझे दिखाओ पहले। तो मैंने लिखा शो इंटरफेस E0/0, बिल्कुल मैक एड्रेस क्या आपका, ACC001000। हाँ यानी किसका मैक किसके थ्रू आ रहा है, स्विच 2 के थ्रू। चलो जी देख लो ना, मैं तो आपको बिल्कुल कैप्चर करके दिखा रहा हूँ एक एक चीज, कोई बना के तो भेजा नहीं पैकेट, चेक करो सही, एग्जिट एग्जैक्ट सही है जी, इंटरफेस क्लियर क्लियर, बिल्कुल सही है सर, एनकैप्सुलेशन क्लियर टाइप विल बी आरपा क्लियर, सही है सर डेस्टिनेशन मैक क्या है 0100CCC, बोला था आपको किस किस प्रोटोकॉल के बिल्कुल। लिए यूज कर रहा हूँ, CDP CDP DTP BTP VTP PHP क्लियर। अब आपको सही है कैसे सर। पता कि ये CDP है DTP है, तो आप जब भी आप मुझसे हेडर पढ़ोगे तो इसके अंदर हाँ जी LLC फील्ड आ रही है, ओके LLC फील्ड के अंदर PID है, DSAP के अंदर भी आती है एक फील्ड और एक SSAP है क्लियर है, इसके अंदर एक ओके okay. PID बता रहा है, PID में कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें आप CDP CDP, अभी आप DTP यूज करोगे तो क्या लिखाएगा DTP क्लियर, DTP ठीक ठीक ये है सर आपके CDP के अंदर की इंफॉर्मेशन ओके सही है सर क्लियर है भाई। अब इसको यहां से क्लियर है उठाओ सर। और फिर इसको अपने स्लाइड पे ले चलो, छोड़ो मत यहाँ पे, ले जाएगा कोई उठा के इसको, आ जाओ। टाइम से पहले पढ़ लेते हैं मेरे को लग रहा है ना, हाँ जी हम टाइम से पहले ही कवर कर लेते हैं टॉपिक। सर, मजे इस चीज में बिल्कुल चलो दिख रहा है भाई, ये तो आपकी सर। लेयर वन इंफॉर्मेशन है, अगर आपको याद रखना है तो ये क्या है आपकी लेयर 1 इन्फॉर्मेशन, लेयर 1 लेयर, इन्फॉर्मेशन क्लियर, ये क्या आपकी लेयर टू इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन
दिख ही नहीं रहा सर क्या है लेयर टू। ठीक है ठीक है, लेयर टू पे हम सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक डिफाइन करते थे, बता दिया बिल्कुल। अगर आप 80 अगर आप ईथरनेट का हेडर 802.3 यूज कर रहे हो तो आपके पास होती है अपर लेयर की इंफॉर्मेशन को समझ जानने के लिए LLC फील्ड। क्या बोलते हैं? LLC फील्ड कॉल लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इसके अंदर हमें क्या मिलती है? PID। PID में हमें पता चलता है हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें, यूज कर रहे हैं। ठीक है TTP VTP। क्लियर? सही है सर। क्लियर। और ये हमारा मैसेज कौन सा है? CDP। CDP का पैकेट भेज रहे हो आप। इनसाइड पैकेट दिस इज योर वर्जन इंफॉर्मेशन। वर्जन की इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। क्लियर है भाई? TTL आपका टाइम आउट कितना था? 180 सेकंड्स। क्लियर। चेकसम एल्गोरिथम है उसके बारे में बात करूंगा। डिवाइस आईडी होस्ट नेम विल बी स्विच। यहाँ पे क्या है आपका होस्ट नेम। क्लियर है? सही। यहाँ पे क्या बता रहा है? iOS का वर्जन। क्लियर है? क्लियर। क्या बता रहा है? प्लेटफॉर्म कौन सा यूज कर रहे हो उसके बारे में बताओ। एड्रेस कोई आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है आपने? ओके। ये क्या बता रहा है? इंटरफेस जिससे आप क्या भेजो CDP पैकेट क्या कर रहे हो? सेंड कर रहे हैं। ठीक है। कैपेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ मी विच टाइप ऑफ डिवाइस। क्लियर है? क्लियर। कई चीजें सर इसमें खाली क्यों है इसके अंदर? अभी दिखाऊंगा ना, खाली नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये आपका डोमेन नेम VTP डोमेन नेम। क्लियर? ठीक है सर। ये कौन सी ये स्पीड ड्यूप्लेक्स डिफाइन कर रहा है यहाँ पे? क्या डिफाइन कर रहा है? बिल्कुल ड्यूप्लेक्स ऑफ। ठीक है। क्लियर? हाँ जी। ये चीजें क्लियर है? बिल्कुल। ये वाली चीज मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा ये वाली। हाँ ठीक है सर। ये वाली करके दिखाऊंगा। क्लियर है? अब क्या होता है रियल टाइम में हम बनाते हैं मैनेजमेंट मेल है उसका एड्रेस होगा यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है भाई। चलिए पैकेट देखिए आप। ये आपका पैकेट ऊपर की इंफॉर्मेशन है बंद कर दो। वर्जन टाइम आउट चेकसम में एक एल्गोरिथम है जो दोनों साइड क्या होनी चाहिए वैल्यू सेम तभी सेम होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर है? डिवाइस आईडी क्या नाम दिया था? स्विच। बिल्कुल। क्लियर सॉफ्टवेयर वर्जन ये लो ये रहा ना आपका वर्जन की डिटेल। अच्छा ये रहा। अच्छा ठीक है। प्लेटफॉर्म कैसा है? लिनक्स है क्या? यस लिनक्स है। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म कौन सा है उसका ये लो आईपी बेस। ठीक है। एडवांस सिक्योरिटी भी आता है iOS। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे iOS टाइप एडवांस सिक्योरिटी भी आता है। ठीक है जी। और भी आते हैं iOS X आता है। तो यहाँ पे क्या बताएगा? प्लेटफॉर्म वर्जन। ठीक है हाँ जी। चलिए आगे आ जाइए। आफ्टर प्लेटफॉर्म आई हैव एड्रेस। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ एड्रेसेस। नंबर ऑफ एड्रेस क्या दिखा रहा है भाई? जीरो जीरो। अगर मैं आईपी असाइन कर दूं तो यहाँ पे आईपी एड्रेस आएगा। दिखाऊं करके? ओके ठीक। अभी हम नेक्स्ट पैकेट खोलेंगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ठीक है। हमारे पास आता है पोर्ट आईडी। मेरे इंटरफेस का नंबर क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है? सेंड थ्रू इंटरफेस। ये बोला था ना मैंने? बिल्कुल। कहाँ से भेजा है आपने? कैपेबिलिटी कोड ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यूज दिख रहा है ये एरिया। ओके ठीक है। अभी बता रहा है 29 हेक्साडेसिमल कोड है आपका ये। ठीक है आगे आ जाओ। VTP का डोमेन नेम कुछ डाल रखा है? नल है। नहीं, अभी नहीं डाल। नल नल। आ जाओ। डुप्लेक्स कौन कौन सी है आपके पास? हाफ। क्लियर है? ठीक है सर। ट्रस्ट बिटमैप ये छोड़ दो आप। अनट्रस्टेड पोर्ट ये भी छोड़ दो अभी आपको नहीं पता चलेगा। मैनेजमेंट एड्रेस यहाँ पे क्या बताया था? नंबर ऑफ एड्रेस वही आईपी एड्रेस। ठीक है सर। चलो स्विच वन पे मैं एक एड्रेस दे देता हूँ आपकी खुशी के लिए। दिल ना दुखी हो।
कॉन्फिगर इंटरफेस E0/0 से नो शटडाउन आईपी एड्रेस 1.1.1 ठीक है आसिम भाई ठीक है सर क्या बोल रही है आईपी एड्रेस क्या नहीं कर सकते असाइन बाय असाइन नहीं कर सकते अगर कुछ याद आया कमांड चलाते तो फिर बताना स्विच पोर्ट सर नो स्विच पोर्ट करना पड़ेगा पहले से नो स्विच पोर्ट क्लियर हां जी सर फेल एंड ब्रेक E0/0 कहां गया वी उसमें से निकल गया डिफॉल्ट में से कहां गया कौन सी वेलैन का मेंबर बन गया अब सर वो किसी भी लैन का मेंबर नहीं होगा ना वो तो स्विच पोर्ट ही नहीं रह गया हां जी वो पोर्ट कैसा बन गया है रूटेड राउटेड ठीक है शो वीलैन इंटरनल यूजेस ओके इसका मेंबर है 1.1.6 It means whenever we configure no switch port command, then port will convert into rooted port and you can assign IP address as well. The port number will be member of VLAN 1006. अब किसी ने बोला अगर मेरा next port बनेगा no switch port पे तो वो कौन सी VLAN का member होगा? इसी का होगा 1006 का. देख लो आपको दूसरी VLAN का member. 1.0.0 ओके सर ओके ठीक है शो वीलैन इंटरनल यूजेस इस कमांड का पढ़ के आना फिर आपको और एग्जांपल दूंगा ठीक है ठीक है ये मतलब सर अब एक्सटेंडेड वीएन के मेंबर बन गए दोनों ये बिल्कुल इसके बारे में आप पढ़ के आना कि अगर हम नो स्विच पोर्ट चलाते तो क्या क्या प्रोसेस होता है ठीक है ठीक है सर फिर मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा अभी के लिए ये दिखाना जरूरी था ठीक है ठीक है सर शो आईपी इंटरफेस ब्रेक मैंने असाइन नहीं करा कॉन्फिगर इंटरफेस E0/1 से शटडाउन इंटरफेस E0/0 से आईपी एड्रेस 1.1.1255 ठीक है भाई नो शटडाउन हां जी सर जब भी सीडीपी पैकेट भेजेगा किससे आएगा मेरे पास आसिम जी अभी तो यहां पे एड्रेस आ रहा था ना क्या रहा था जीरो अब क्या आएगा 1.1.1 क्लियर है ओके ओके ठीक है एक सेकंड स्टॉप नया आएगा ना पैकेट यहां से जाओ कैप्चर अभी आते आपको मिल जाएगा यहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो डीटीपी ठीक है ना ठीक है सर क्योंकि जब हम जॉब पे आते हैं L1 भी मिल जाते हैं ना कई बार तो L1 मिल गई तो फिर मॉनिटरिंग कुछ भी हो सकते हैं मॉनिटरिंग तो आनी चाहिए बढ़िया वाली हां जी हां जी एक पैकेट के लिए इंफॉर्मेशन भेज दो यार सीडीपी का पैकेट क्यों गुस्सा ले ला रहे हो आ गया सर बहुत बढ़िया कुछ नहीं दिखाऊंगा एड्रेस दिखाऊंगा क्या आ रहा है जीरो अभी आने दो एक और पैकेट आने दो यस नागराज जी एक और आ गया आफ्टर 5 पीएम आई हैव ऑलरेडी हां या ऑफ कोर्स या ओके मैम आई विल कॉल बैक देन आई विल डिस्कस विद यू तो आसिम भाई यहां पे आईपी एड्रेस देखो किसका आ रहा है 111 क्या बता रहा है ये 111 ठीक है क्लियर 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 सर नेटवर्क लेयर प्रोसेस आइडेंटिफायर ये क्या बता रहा है आईपी एड्रेस एड्रेस की लेंथ क्या बता रहा है चार का मतलब क्या है भाई चार बाइट 4×8=32 प्रोटोकॉल का मतलब क्या बता रहा है आईपी क्लियर है प्रोटोकॉल टाइप क्या बता रहा है एनएलपी आईडी नेटवर्क लेयर के बारे में बता रहा है क्लियर है ठीक है सर क्लियर है भाई
कोई इशू? क्लियर है सर, कोई इशू नहीं सर। मैनेजमेंट एड्रेस में भी क्या बता रहा है 1.1, क्योंकि एक ही टाइप है ना आपके पास। हाँ जी, अभी डिफाइन नहीं करा मैंने, मैनेजमेंट वीलैन डिफाइन नहीं करा, तो ये क्या हमारा सीडीबी पैकेट सेव कर दे। बिल्कुल कर ले सर। चलिए, नई चीजें पढ़ने में मजा जब आता है, जब हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अभी सीडीपी पैकेट भेज रहे हो, इंटरफेस E0/0, नो सीडीपी इनेबल। क्या लिखा भाई? ओके, नो सीडीपी इनेबल, इट मींस सीडीपी क्या हो गया इसके पास से डिसेबल कर दिया। शो सीडीपी इंटरफेस E0/0, क्या बोल रहा है? सीडीपी इज नॉट इनेबल्ड ऑन इंटरफेस E0/0। बिल्कुल, शो आ जाओ। टाइमर कहाँ जा रहा है? एक्सपायरेशन के लिए। एक्सपायरेशन के लिए कितनी देर बाद एंट्री फ्लश आउट कर देगा? 180 सेकंड्स टोटल, मतलब 120 सेकंड के बाद, 119 सेकंड के बाद कर देगा, करना तो चाहिए, ठीक है ना। जब तक ये फ्लश के लिए जा रहा है, मैं कुछ एक्स्ट्रा कमांड दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, इंटरफेस E0/0 सीडीपी टीएलवी can define here server location server location का बाद में पढ़ेंगे। शो कन्फिगर सीडीपी टाइमर, यहाँ पे आपको क्या बताना है? हेलो, सपोज करो मैंने बोला 5 सेकंड में हेलो भेजो, क्लियर है? ओके, ठीक है सर। तो 5 सेकंड बता सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप होल्ड डाउन टाइमर के लिए काम कर सकते हो, ये होल्ड डाउन टाइमर कर सकते हो आप चेंज यहाँ पे, क्लियर है सर? अभी इसके एंटर फ्लश होने दो बस, फिर दिखाऊंगा टाइमर कैसे काम, ठीक है ना? हाँ जी सर, बस 1 सेकंड टाइमर चल रहा है। कर दो 17, 16, 15, 14, 13। हो गई फ्लैश? हो गई सर फ्लैश। तो मैं क्या कर रहा हूँ आसिम भाई, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्विच वन पे जो बाय डिफॉल्ट टाइमर चल रहे हैं वो ये टाइमर है। हेलो कितनी देर में भेजूंगा? 60 में? 60, हाँ जी। होल्ड टाइमर 180? 180। यस या नो? यस। सीडीपी, सीडीपी क्लियर? होल्ड डाउन टाइमर 40 सेकंड। ओके, 14 सेकंड, सीडीपी टाइमर 5 सेकंड। ओके क्लियर? देन वी कैन नेम हियर इंटरफेस E0/0 सीडीपी नेबर, ठीक है सर, डेबग सीडीपी पैकेट। सही है सर, पैकेट आ रहे हैं। हेलो सर, देख लो टाइमर आपके यही मैच करा लूंगा मैं, यही मैच करा दूंगा टाइमर। अब आप देखना टाइमर कैसे मैच करो। आठ, पांच, तेरह, पांच, अठारह, 23, 28, 28, 33, 33, सही है सर। क्लियर है? क्लियर है सर। शो सीडीपी नेबर, नेबर की डिटेल आ रही है? अभी नहीं आ रही। नहीं आई? नहीं, नहीं आई। शो सीडीपी नेबर इसके पास आ रही है? इसके पास आ रही है, सही होगा। उसके पास क्या नहीं आ रही है? उसने क्या करा, अपने टाइमर चेंज कर दिया है। ओके, तो अब इसने अपने क्या टाइमर रखा कि उसके लिए यहां से भेजेगा 60 सेकंड में, ओके, और यहां से भेजेगा हर 5 सेकंड में। हाँ जी, यानी जो इसने
हेलो चलाया था 5 सेकंड का, हेलो कितना रखा था असीम भाई, 5, और होल्ड कितना रखा था 40, 40। ये दोनों टाइमर किस पे कंफिगर होगा जाके, स्विच 2 पे, इसका 60 और 180 था, तो ये कहाँ पे कंफिगर होगा जाके, स्विच 1 पे। ले रहे ना इतना कॉन्सेप्ट, तो देखो सही है, स्विच 2 का shows undebug all, unall, debugging all कर दी मैंने, all show cdp neighbor, timer कितना है इसके पास 40, neighbor का timer घूम रहा ही है, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे host name डाल देता हूँ। नहीं मैं ऊपर से पढ़ लिया सर, कोई चक्कर नहीं। अब देख तो लो आप क्या होगा, show cdp neighbor 36, इस पे कितनी देर में अपडेट आएगी नेबर की टाइमर की, 60, लेकिन उसका होस्ट नेम पहले से क्या कॉन्फ़िगर है, स्विच, और अब मैंने क्या कॉन्फ़िगर करा था, बंद देखा नहीं, स्विच, हाँ जी, कितने पे रिफ्रेश होना चाहिए था, 119 पे, हो गया ऊपर वाले के लिए चल गया। देखो इसके एंट्री फ्लश करा रहा है पुराने वाले नेम की, और नया वाला क्या आ गया उस पे, रिसीव 176, सही है। अच्छा ये भी चीज है, मतलब उसने उसको अपडेट नहीं किया, वो फ्लश करके नई एंट्री डाल दी बीच में, या उसने क्या बोला कि आपके जो पुरानी अपडेट थी मैंने उसको टाइमर चला दिया एक्सपायर करने के लिए, और नई अपडेट होता कर दिया रिसीव। अब जितनी भी अपडेट होगी वो रिसीव कौन से पे होगी, स्विच 2 के होस्ट नेम पे, स्विच 2 पे, बिल्कुल मजेदार चीज है सर। देख लो आप, चल रही नहीं चल रही, चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है। 119 पे आके रिफ्रेश हो जाएगा, नीचे वाला रिफ्रेश होगा, लेकिन ऊपर वाला क्या हो गया है, एक्सपायर, उस होस्ट नेम से कोई बंदा रिप्लाई नहीं करने वाला, बिल्कुल देख लेना अभी आपके सामने। इसके बाद पढ़ेंगे LLDP, सही है सर, हो गया नीचे वाला रिफ्रेश, बिल्कुल सर, ऊपर वाला का चल रहा है। अगर मैं यहाँ से CDP डिसेबल कर दूं, तो इसको बायडायरेक्शनल बोलने का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए आपको, सामने वाले स्विच पे इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, खत्म, तो फ्लश होनी शुरू हो जाएगी। हो गया इसका एक्सपायर टाइम चल गया, इट मींस कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, CDP इनेबल्ड, क्लियर, बिल्कुल सर। चलिए अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट, इफ यू हैव अदर वेंडर डिवाइसेस, अगर आपके पास आसिम जी क्या हो, अदर वेंडर डिवाइसेस, अदर वेंडर के डिवाइस हो, जैसे कौन से डिवाइस है आपके पास, जूनिपर हो गया, एचपी, वरिटोस, एचपी हो गया, नोकिया, जूनिपर, अल्काटेल, हुआवे का भी हो सकता है, क्लियर है, ETC, बहुत सारे डिवाइस है, क्लियर है। अब सिस्को ने तो स्पेशली CDP बना दिया, अब इन अदर वेंडर्स पे क्या चलाओगे, तो डिस्कवर कनेक्टेड नेटवर्क डिवाइसेस, व्हाट आई क्या यूज करना चाहिए बताया। अब सर वो करेंगे यूज जो सिस्को का प्रोप्राइटरी ना हो, तो सब पे चलता हो, ओपन ओपन सोर्स। अब हम क्या करने वाले हैं, जो सिस्को का डिवाइस नहीं है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड LLDP, ले रहे भाई, बिल्कुल सर। LLDP क्या होता है, लिंक लेयर, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, क्लियर। LLDP क्या है आपका, ओपन सोर्स स्टैंडर्ड, क्लियर। और CDP क्या था आपका, सिस्को प्रोप्राइटरी, सिस्को प्रोप्राइटरी, आई थिंक मैंने लिखा है नहीं लिखा है देख लेंगे, कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं, मैंने यहाँ लिख देना सिस्को का डिस्कवरी प्रोटोकॉल, हाँ जी हाँ जी, कोई भी आते हैं CDP सिस्को प्रोटोकॉल, इतनी सारी चीजें लिखने के बाद जो ना भूल जाते हैं, नहीं वो तो है ये सर,
ठीक है भाई, बिल्कुल सर, कोई इशू तो नहीं है आपको, बताइए। नहीं नहीं सर, कि सर ये तो पहले बताया नहीं आपने। नहीं, नहीं। इससे सर क्या बताएंगे आप। चलो ये कैसा है आपका ओपन स्टैंडर्ड, ठीक है भाई। तो LLDP जो CDP प्रोटोकॉल था वो कौन सी लेयर पे काम करता था आपका? लेयर 2 पे। लेयर 2 पे LLDP भी ऐसे काम करता है, लेकिन LLDP को ओपन स्टैंडर्ड बोल दिया तो इसके अंदर IEEE वाले आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इन्फॉर्मेंट टास्क करके कुछ इनकी फुल फॉर्म है। ये बंदे इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे जो क्या होते हैं IEEE के मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं इसको क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बिल्डअप करते हैं रियल टाइम में चलाने के लिए। तो वो क्या करते हैं एक RFC डिफाइन कर देते हैं सबके लिए। ऐसे जब भी हम IEEE का कोई भी प्रोटोकॉल या कोई भी चीज पढ़ेंगे तो वहां पे IEEE क्या करेगा स्टैंडर्ड उसका डिफाइन करेगा। तो इसका आता है 802.1AB। जब आपसे कोई पूछे आसिम जी आपने 802.1AB का कोई प्रोटोकॉल पढ़ा है? ओके, तो उसके लिए LLDP बोल सकते हैं। क्लियर, ऐसा भी होता है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ अंदर LLDP के पास टाइमर भी होते हैं, क्लियर है। लेकिन ये कर okay. ये क्या करता है यूज टू डिस्कवर connected other vendor devices, clear? ठीक है, clear? अब एक चीज और लिख लेना है यहाँ पे आप, you can also configure Cisco device if okay. iOS supported, clear? अगर iOS क्या करता है आपका support करता है, जरूरी नहीं है कि LLDP आपके open पे चलेगा, ठीक है? LLDP called unidirectional communication. ठीक है सर, कुछ समझ में आया unidirectional का मतलब? आ गया सर समझ, दूसरी तरफ enabled हो या ना हो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? LLDP बिल्कुल, we can control behavior, इसका हम क्या कर सकते हैं control कर सकते हैं behavior को कि आपको पैकेट भेजना है या receive करना है, क्लियर है? ओके सर, क्लियर है? क्लियर सर। LLDP में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फोर्स ए राउटर टू सेंड पैकेट ओनली, क्लियर? ठीक है सर, यहाँ पे एक और लाइन लिख लो, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट मार लो, वी कैन फोर्स ए राउटर टू रिसीव पैकेट ओनली, क्लियर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्लियर है? बिल्कुल, मैं लास्ट में ये लिख देता हूँ, तो जो चीज आपको पता है वो मैं लिखता कम हूँ उसमें, ठीक है ना? लेयर टू प्रोटोकॉल बाद में लिखने वाली चीज होती है, ठीक है? अब देखो CDP का टाइमर क्या था, 60-180। हाँ जी, तो देखो LLDP में भी टाइमर है, अभी मजा आएगा पढ़ने में और, ठीक है? अभी हेलो का मतलब क्या होता था आपका, कीप अलाइव? हाँ जी, तो हेलो भी भेजता ये बंदा एवरी 30 सेकेंड, ओके, एंड होल्ड डाउन टाइमर इज 90 120, लिया? ठीक है सर, बताइए। बिल्कुल सर, क्लियर है? चलिए, बिल्कुल सर, इतनी इंफॉर्मेशन बढ़िया है, चेक करते हैं, ठीक है आसिम भाई? शो CDP नेबर, पहले क्या करता हूँ, नो CDP रन, हटा दिया? हाँ जी, होस्ट नेम स्विच 1, एक तो एक, इतने सारे कंसोल खोलने के बाद जो है ना दिमाग चल जाता है भाई भाई ना। सर पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है सर, चेक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करते हैं, रन LLDP रन, कमांड क्या आपकी
LLDP run to enable globally. How to enable LLDP protocol? Clear है आसिम जी? Clear है sir. Command क्या है? LLDP run. LLDP run. Enter. Clear है? Clear. Show sir. LLDP. Status क्या बता रहा है? Active. Timer देख के बताइए कौन कौन से है. हेलो टाइमर सर 30. इतने में आप बताओगे इतने में आ गया. चलो देखो ये क्या बता रहा है. स्टेटस क्या आपका? एक्टिव. एक्टिव और आपकी एडवर्टीजमेंट कितनी देर में भेजूंगा? हर 30 सेकंड. एडवर्टीजमेंट को ही समझो एक तरीके से क्या बोल रहा है. हेलो मैसेज. हेलो मैसेज. हां जी ये होल्ड डाउन टाइमर है. क्लियर है? और इंटरफेस ट्रांसमिशन डिले 2 सेकंड. ओके इसके बारे में बताऊंगा मैं आ गया. ये वाली लाइन के लिए बात करते हैं. ठीक है अभी हेलो वर्ल्ड बेसिक सिखाऊंगा पहले. ठीक है तो मैं आपको सीडीपी कैसे चेक कराता था भाई? शो सीडीपी. शो सीडीपी चलाते थे कमांड. शो सीडीपी क्या बोल रहा है? नॉट इनेबल्ड. शो एलएलडीपी इनेबल्ड. इनेबल्ड. शो एलएलडीपी इंटरफेस E0/0 क्या बोल रहा है? TX enabled, RX enabled. मतलब transmission भी enabled और receive भी enabled है. चलो अच्छी बात आपने command का पूरा output पढ़ लिया एक बारी में. कई बार ऐसा होता है कि पढ़ ही नहीं पाते बंदे. चलो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? इंटरफेस का नंबर. ठीक है हाँ जी. इंटरफेस का नंबर TX कॉल ट्रांसमिट. ट्रांसमिट ये तो आपको अच्छे से आ गया है. ये तो अच्छे से कोई डाउट ही नहीं रहा. ट्रांसमिट है ना. RX कॉल्ड रिसीव. कि मैं ट्रांसमिट भी कर सकता हूँ पैकेट्स को और क्या कर सकता हूँ साथ साथ रिसीव भी कर सकता. रिसीव भी कर सकता हूँ. ट्रांसमिट करने के लिए मेरा स्टेट क्या हो रखी है अभी? आइडल. और RX के लिए स्टेट क्या बता रहा है? वेट फॉर ए फ्रेम. वेट फॉर फ्रेम. अगर कोई भेजेगा तो मैं वेट कर रहा हूँ. क्लियर? ठीक है सही है. ये कमांड किसके लिए चलाई? टू वेरीफाई इनेबल एलएलडीपी ऑन इंटरफेस. हो गया? अच्छा बिल्कुल सर. स्टॉप है एज इट इज सेम वही कहानी होगी. क्लियर है? बिल्कुल सर. भेज रहे हैं दोनों बंदे. क्लियर है? भेज रहे हैं. चेक कर देता हूं. डीबग एलएलडीपी यहां पे चेक कर लो. पैकेज देखने, स्टेट देखने, इवेंट देखने. तो मैंने बोला पैकेज. अभी बड़े से अक्षरों में लिख के भेजेगा एडवर्टीजमेंट. अगर इंटरफेस शटडाउन नहीं हुआ हुआ तो. एक बार क्या हुआ कि ऐसे में कर रहा था शटडाउन कर दिया. ओके बंदा कह रहा सर ये तो हुआ ही नहीं. क्या करा इसने? एलएलडीपी एडवर्टीजमेंट सेंड किए इसने. ट्रांसमिट करे तीनों इंटरफेस से. हाँ जी. डीबग LLDP. इसने भी क्या करा? ट्रांसमिट करे इसने भी. बिल्कुल. और उस पर रिसीव हो गया उसका इंटरनेट. ठीक है RX पे क्या होंगे? रिसीव होंगे. हाँ जी. शो LLDP कमांड कौन कौन सी है? एंट्री एरर इंटरफेस नेबर और ट्रैफिक. क्लियर है? पहली कमांड क्या चला रहा हूं मैं आपको? इंटरफेस चला के दिखाई. हाँ जी. ठीक है अब नेबर कमांड सिखा रहा हूं. बिल्कुल. क्या बोल रहा है कि अभी मेरे पास कोई आया नहीं है. कोई आया नहीं. ओके ठीक है ना. कोई दिख नहीं रहा है मेरे को. क्यों? चेक कर लेते क्या इशू है. जीरो आप है. आ गया? आ गया सर. आ गया भाई. बिल्कुल सेम भाई है.
देखो सारी चीजें वही बताएगा, ये कहानी वहीं पे ले आता है, बस कॉन्सेप्ट इसमें यूनिडायरेक्शनल का है, वही समझने वाली चीज है। सही है सर, ये लो ठीक है भाई। ये कमांड क्या बताएगी, नेबर की इंफॉर्मेशन, इससे क्या पता चलता है, होस्ट नेम, अवन इंटरफेस नंबर, क्लियर है भाई? नंबर, हाँ जी, होल्ड टाइम, टाइम आउट, हाँ जी, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है, किस पोर्ट से कनेक्टेड है, नेबर, डिवाइस, पोर्ट नंबर। अब मैं आपसे आसिम जी एक क्वेश्चन पूछता सिंपली, हाँ जी, अब अगर आपने पूरी क्लास में ध्यान से पढ़ा है चीजों को तो आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में, कोई इशू ही नहीं है भाई, ठीक है? हाँ जी, बारीकी से समझना। डिवाइस के आईडी के बता रहा है, नेबर का नाम क्या है, स्विच वन, ठीक है, मेरा इंटरफेस कौन सा कनेक्टेड है उससे, 0/0, हाँ जी, टाइमर कितना चला रखा है, 120, हाँ जी, ये देखो होल्ड टाइमर, कहानी वही अगेन, हाँ जी, 120 से चलते जाएंगे जीरो पे आएगा। अच्छा, ये डिवाइस कौन सा भेज रहा है, स्विच टू, क्लियर है ना? ठीक है सर, कॉपी पेस्ट, ये डिवाइस कौन सा है, स्विच वन, ओके। अब इसको जब ये भेजेगा स्विच टू स्विच वन, दोनों आपस में भेज रहे हैं, इनका रिफ्रेश टाइमर कितना होगा, 30 seconds है ना इसका रिफ्रेश टाइमर, तो 89, इसमें से 0/19 होगा कि 120 लिखा है ना, इसका मतलब होता है, अगर आपको समझना है, अब बताओ 89 पे पूछते क्या बोलेगा, अच्छे तेज से चीखेगा रिफ्रेश, हाँ जी, ये वाला भी क्या बोलेगा 89 पे आती रिफ्रेश, चल ही नहीं रहा, हाँ ये चल नहीं रहा, ठीक है ना? अच्छा, पहला इशू तो मिल गया, दूसरा इशू कैपेबिलिटी में क्या आ रहा है, राउटर्स क्यों आ रहा है, सामने तो स्विच लगा हुआ है, एक सर एक मिनट होल्ड करेंगे जरा, वो जीतू सर का मैसेज आया, एक मिनट जरा, हाँ जी, अच्छा उनकी तरफ पावर कट चल रहा है, मैं उनको जरा मैसेज कर दूं कि एक मिनट, ओके सर, आई एम बैक, बताइए भाई कैपेबिलिटी में आर क्यों आ रहा है, कैपेबिलिटी में आर क्यों आ रहा है, सामने तो स्विच लगा है, ठीक है, आपके सामने आंसर है, सामने स्विच लगा है, बिल्कुल, देख के सोच के बताइए, मेरे सामने आंसर है, हाँ सामने ही है, अच्छा बस थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में चीजें, कैपेबिलिटी कोड का मतलब क्या होता है, मेरे सामने कौन सा डिवाइस लगा, यही पढ़ा था ना अभी तक, हाँ जी, हाँ जी, इंटरफेस पे कौन अवेलेबल है, राउटर, राउटर, राउटर का मतलब आईपी दे रखा है आपने किसी डिवाइस को, हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैंने इसके पोर्ट को क्या बनाया था, हाँ आईपी एड्रेस दिया था इसको, कौन सी लेयर का डिवाइस बना दिया था इसके पोर्ट को, थ्री, लेयर थ्री को, लेयर थ्री, क्या बोला उसने, कैपेबिलिटी कोड, हाँ राउटर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, चल बिल्कुल सर, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, इंटरफेस E0/0, ओहो स्विच को, हाँ जी, शो इंटरफेस E0/0, आईपी हट गया, इनेबल्ड हो गया, हाँ जी, अभी आ जाएगा, जनरेट होगा तो,
ठीक है, अभी आ जाए, जब तक एलएलडीपी का पैकेट पकड़ लेते हैं। क्लास होगी ना आपकी 5 बजे के बाद? नहीं वो कैंसिल हो गई सर, उनकी तरफ पावर कट चल रहा है। अच्छा अच्छा हाँ जी, जा रहा है एलएलडीपी? हाँ जी सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो बता देना बस। हाँ जी सर। आ गया भाई? आ गया सर। देखो इसमें एक एडवांस कमांडेड डिटेल, ठीक है सर, जैसे कि आईडी क्या बता रहा है उसका, बेस मैक एड्रेस, बेस मैक एड्रेस हाँ जी, पोर्ट नंबर, पोर्ट का डिस्क्रिप्शन अगर कुछ दे रखा हो आपने तो, आपका होस्ट नेम क्या है, स्विच वन नेबर का, क्लियर है? हाँ जी। चलो आपके पोर्ट का डिस्क्रिप्शन डालता हूँ मैं, स्विच वन का, ठीक है? डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं रियल टाइम में, डिस्क्रिप्शन आसिम शर्मा, ठीक है भाई? हाँ जी सर। एक सेकंड बाद अपडेट आ जाएगी। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट उसका नंबर देता है, ऐसा तो लाया। कितने पे रिफ्रेश हो रहा था असीम भाई इसको? 89 पे सर। चलो टाइमर देखते रहना। हाँ जी हाँ जी। वो चेंज क्यों ही नहीं है ना इसमें? आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, आ जाएगा। ओके ठीक है, या आपके आईओएस की डिटेल, ठीक है आपका टाइमर, होल्ड डाउन, सिस्टम कैपेबिलिटी, ब्रिज और राउटर। राउटर ठीक है, ब्रिज का मतलब स्विच और राउटर। हाँ जी। मैनेजमेंट का कोई एड्रेस नहीं है, क्लियर है? नहीं है। फिजिकल मीडिया की कैपेबिलिटी नो, वीएलएन आईडी नॉट एडवर्टाइज, क्लियर? हाँ जी सर। शो एलएलडीपी नेबर, स्विच वन, यहाँ टाइमर नहीं दिखा रहा है, वर्चुअल है, ठीक है ना? ठीक है सर। यहाँ नहीं दिखा रहा है, ये वर्चुअल है इसलिए। मतलब सर वर्चुअल मतलब कैसे? वर्चुअल सिमुलेटर है ना, और इसलिए। ओके ओके ठीक है ठीक है, इसलिए मेरे को डिटेल कमांड चलानी है उसके आगे। फिनिश्ड ऑल माय मंडे होमवर्क। ओके ओके है ना, यहाँ पे डिटेल आ रही है, यहाँ पे आप हाँ जी सर 0x0 ये ऐसे भी देख सकते हो, स्पेसिफिक इंटरफेस का नंबर डाल के, लेकिन हम डिटेल से देखते हैं, सीडीपी भी हम डिटेल से देखते हैं ताकि हमें पैकेट खोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? ओके ठीक है, ठीक है सर। ये तो हो गया आपके कोड डिटेल, ये चैसी नंबर, ये सब सारी चीजें दे रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरे को क्या दिखाना है आपको, इनसाइड पैकेट। तो लेयर वन पे इनकैप्सुलेशन आरपा, लेयर टू पे हेडर, लेयर टू पे हेडर कौन सा लग के आ रहा है ईथरनेट का? 802.2। मैंने क्या बोला था, टाइप फील्ड आएगी। हाँ जी। कौन सा हेडर लग के आ रहा है? 802.1Q, यानी .1Q ट्रंक फॉर्म हो गया होगा। ओके हाँ 802.1Q, ठीक है। ये आपकी इंफॉर्मेशन एलएलडीपी, ये सिस्टम का डिस्क्रिप्शन, सिस्को आईओएस, पोर्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है? सही है सर। लेते हैं अभी आपका सिस्टम नेम स्विच वन,
चेसी का नंबर और मैक एड्रेस बताएगा। मैक एड्रेस दे रहा है आपका ए बी बी यानी स्विच वन ने भेजा है, ठीक है भाई? हाँ जी सर। चलिए स्विच वन के था जी। हाँ ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं? मैं के स्विच वन का ही है ये, ठीक है। हाँ, पोर्ट का सब टाइप, इंटरफेस का नाम और नंबर, ठीक है सर। E0/0 क्लियर है? हाँ जी ठीक है सर। टाइम टू लीव होल्ड डाउन टाइमर कितना है? 120 सेकंड, ठीक है। सिस्टम का नाम यानी होस्ट नेम, सिस्टम डिस्क्रिप्शन, iOS की डिटेल्स, कौन सा वर्जन है 15.1 क्लियर? सही है सर। पोर्ट का डिस्क्रिप्शन कि आपने अगर पोर्ट पे नाम नंबर लिख रखा हो वो दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैपेबिलिटी कोड ये हेक्साडेसिमल कोड से सारे, ब्रिज बताया था आपको और राउटर बताया था, ठीक है। हाँ जी। एंड ऑफ LLDPP, ये TLV लेंथ लगाता है, टाइम लेंथ करके वर्जन की, अगर कोई एक्स्ट्रा फील्ड आएगी तो यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है सर। ठीक है भाई, सही है सर। ठीक है भाई, कैप्चर करें इस पैकेट को। अब ये 802.1Q का क्यों आ रहा है ना, जब हम DTB पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है? कुछ चीजें क्लियर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि DTP बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर हो जाता है, ओके, इसलिए आपको बताना नहीं पड़ता कमांड। क्लियर है? होल्ड डाउन टाइम हो गया। तो अब मैं क्या चाहता था, देखिए अब रियल टाइम में कैसे LLDPP यूज करते हैं, ठीक है आसिम भाई? सपोज करो आप एक कंपनी में एज ए नेटवर्क इंजीनियर हो, ये साइट वन है, ठीक है आपकी साइट वन, साइट वन ये समझ लो ISP लगा रखा आपने, ISP 1, ठीक है। ISP 1 से आपने एक अपने लैन के लिए कनेक्टिविटी ली, वहां पे क्या लगा दिया, एक राउटर लगा दिया, लगा दिया, राउटर से स्विच कनेक्ट करा, ठीक है। स्विच से आपने बोला सर मैंने जो है ना यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स सर्वर सब कुछ लगा रखा है, ठीक है जी। ये मेरा राउटर है, ये मेरा स्विच है। अगर आपने यहाँ पे LLDPP रन कर रखा है इस राउटर पे, तो क्या होगा, इस इंटरफेस पे भी इनेबल हो जाएगा। हाँ जी। ग्लोबली इनेबल करोगे यहाँ पे भी इनेबल होगा LLDPP और यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर भी बिल्कुल। तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और यहाँ पे भी होगी तो इसको भी मिलेगी, ISP को, इसको भी मिलेगी। हाँ जी क्लियर है। अब आप चाहते थे ISP को पता ही ना चले मेरे सामने क्या लगा हुआ है, लेकिन मुझे पता चले मेरे ISP लगा हुआ है सामने, ISP की डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो हम क्या कराते थे, इसे वन वे कम्युनिकेशन कराते थे। क्या करना चाहता था मैं, ओनली मुझे क्या करना है यहाँ पे रिसीव्ड पे काम करना है। रिसीव्ड के लिए कौन सी पिन होती है, RX, और सेंडिंग के लिए TX। क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। अब एक साइड पे और बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हमारे पास है ISP 2। हाँ जी। यहाँ पे इन्होंने क्या अलग कर रखा है, यहाँ पे लगाया इन्होंने एक फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल से इन्होंने स्विच कनेक्ट करा और स्विच से इन्होंने मल्टीपल सर्वर कनेक्ट कर दिया, ठीक है सर। यहाँ पे ऐसे करके मल्टीपल स्विचेस पे क्या कर दिए, डिवाइस कनेक्ट कर दिए सर्वर। क्या हो गया बताइए? कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, स्विच कनेक्टेड है। स्विच कनेक्टेड सर। ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई बाहर का यूजर आता था कम्युनिकेशन करने के लिए तो ISP पे जाता था। हाँ जी। यहाँ भेजता था, यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन चली आती थी। क्लियर है? क्लियर है। अब मैं चाहता था मेरी लैन की इन्फॉर्मेशन किसी को पास ऑन ना हो। हाँ जी। यहाँ से कहीं आगे जाए ना इन्फॉर्मेशन, फायरवॉल तक पहुंचे ना, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता था, ट्रांसमिट के लिए कंट्रोल करा सकता था। बिल्कुल। रिसीव तो हो जाए, फोन में ट्रांसमिट पे, लेकिन ट्रांसमिट ना कर पाऊं, ठीक है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इसके बिहेवियर को कंट्रोल करते, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पैसिव इंटरफेस बना के ना, पैसिव तो हमें प्रोटोकॉल में चलता है। ओके ओके। तो हमें क्या करना है, LLDPP पे काम करना है। तो पहली चीज डीबग LLDPP पैकेट्स कॉन्फ़िगरेशन, TX पिन को भी डिसेबल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें होता है LLDPP हियर वी हैव ऑप्शन रिसीव एंड ट्रांसमिट,
ट्रांसमिट करना है तो एंटर कर दो, इनेबल रहेगा, ठीक है? ठीक है। रिसीव करना है तो इनेबल कर दो, रिसीव होगा, ठीक है? अब आपने पूछा सर, एलएलडीपी में मैं जो है ना रिसीव कर लूं लेकिन ट्रांसमिट ना करूं, दिख रहा है ना? रिसीव हो रहा है, ट्रांसमिट भी हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं रिसीव कर लूं, ट्रांसमिट नहीं करूं। मैंने बोला लिखो ट्रांसमिट और आगे क्या कर दो, नो, नो ठीक है, नेगलेक्ट। तो सामने क्या नहीं भेजूंगा, पैकेट ट्रांसमिट नहीं होगा। हाँ जी, TX disabled, RX enabled. अब ये मत पूछना ये TX कहाँ से जा रही है, अदर इंटरफेस है आपके, अदर इंटरफेस है, एक बार जीरो पर जीरो पर डिसेबल कर दी हमने। हाँ जी, हाँ एक बार भेजा था उसने जब बंद हुआ था, उसके बाद उसने भेजना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ क्या हो गया, ठीक है, डिसेबल्ड, क्लियर है? अब देखो सामने वाले को डिवाइस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, टाइमर चल गया होगा। हाँ जी, फ्लश वो खत्म, फ्लश कर देगा। हेलो ना, आपके डिवाइस पे तो सारी इंफॉर्मेशन है, आपको क्या टेंशन है? हाँ जी, हाँ जी, लो भाई, यस या नो? यस सर, बिल्कुल सही। दूसरे तो सर रियल टाइम में सब एलएलडीपी यूज करते हैं प्रोडक्शन वगैरह में? बिल्कुल भाई, बहुत बड़ा सिक्योरिटी रीजन है यार, आपको उसकी सीडीपी और एलएलडीपी में कितनी इंफॉर्मेशन है जा रही है, उसको अटैक करने सब कुछ ही जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अटैक करने के लिए आसानी, पोर्ट नंबर पता चल गया, मैक एड्रेस पता चल गया, मैक एड्रेस सब कुछ ही पता लग गया, फेंक के मल्टीपल मैक बना के दे देगा आपके हाथ में, सही बात, पूरा नेटवर्क चोक डाउन कर देगा 2 मिनट में, मतलब एलएलडीपी ही चलेगा वहां पे हर तरफ फिर। बिल्कुल, चलो अगर आपको ऐसा भी नहीं समझा, दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, अगर आप हर 30 सेकंड में एक एलएलडीपी पैकेट भेजते हो, ठीक है भाई, हर 30 सेकंड में एक एलएलडीपी पैकेट भेजते हो यहां से R1 से हर 30 सेकंड, क्लियर है? आप एक मिनट में कितने पैकेट भेज रहे हो, 2 पैकेट, 2, हाँ जी, 10 मिनट में कितने भेज रहे हो, 20 पैकेट, 20 पैकेट, 1 घंटे में कितने भेज रहे हो, 600, नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं, तो मान के चल लो, हाँ, एक बड़ा नंबर नहीं लेते, मीडियम लेके चलते, हाँ जी, तो आपके इस लिंक पे कंजेक्शन आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी, ये भी खेल रहे होगे एलएलडीपी, एलएलडीपी ये भी खेल रहे हो, फिर कैसे कर लोगे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिहेवियर को, क्लियर है? ओके, ठीक है सर, ठीक है नो, बिल्कुल सर, यस। हाउ टू डिसेबल एडवर्टीजमेंट सो इंटरफेस E0/0, क्लियर, एलएलडीपी ट्रांसमिट नो कमांड, ओहो क्या कमांड चलानी है आसिम भाई, नो कमांड, नो एलडीपी ट्रांसमिट, हाँ जी, इंटरफेस E0/0 नो एलएलडीपी रिसीव, क्लियर? हाँ जी, हाउ टू चेंज एलएलडीपी टाइम, अनऑल, एक चीज बतानी थी आपको, मैं देख रहा हूँ एक सेकंड, हाँ जी, हाँ जी, तो पावर मैनेजमेंट है ये तो बताने की कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिगर एलएलडीपी टाइमर, यहाँ पे क्या बताओगे आप, एडवर्टीजमेंट, क्लियर है? और अगर आप यहाँ लिखोगे होल्ड तो क्या आएगा यहाँ पे आपका, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन टाइमर, क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है? क्लियर क्लियर, 2 सेकंड का डिले आता आपके इंटरफेस पे, उसका ही है रीइनिशियलाइजेशन का, क्लियर है? ये सर दोबारा बोलना, आपकी आवाज कट गई, 2 सेकंड का डिले आता है जैसे इंटरफेस अप होगा, 2 सेकंड का, ठीक है, ठीक है सर, इंटरफेस E0/0 नो एलएलडीपी रन इनेबल, ट्रांसमिट रिसीव शो एलएलडीपी चल रहा है, स्विच टू शो एलएलडीपी नेबल,
बंद है, ठीक है? सही है सर। तो आज हमने क्या कवर करा आसिम भाई? सर वीलेंस, सीडीपी, एलडीपी। ठीक है, कोई इशू तो नहीं आ रहा ना आपको? समझ में नहीं आ रहा वैसा? नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। तो मैंने देखो दो पैकेट आपके सेव कर देता हूँ, एक एलएलडीपी और एक सीडीपी, ठीक है? सीडीपी आई थिंक मैंने सेव कर दिया आपका। हाँ जी, वो आपने किया था सेव पैकेट। हाँ जी, मैं इन पे मार्क कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी सर। पिछली बार मेरे ख्याल से पहले आपने शायद ईमेल में कैसे गलत पे कर दिया आपने ना, फिर दोबारा हुई थी बात अपने, फिर आपने दोबारा शेयर किया था। जी चलिए, फिर मिलते हैं भाई, हम दोबारा से नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेंगे, नई चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक